धीरज जी, अशोक जी, और मुझे पता नहीं कौन कौन आए जो मुझे सामने दिखे, मैं वही नाम ले पा रहा हूँ, बाकी से माफी चाहूंगा। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से गरीबों की मसीहा, दबे कुचले, एससी एसटी ओबीसी, पिछड़े वर्ग, उन पहाड़ों दूर दराज मोड़ों टोकों की रहनमा मादरे मेहरबान जी को मैं अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन्ना अखा दिलवर ठीठा ओ अखा लभ लिया ने, हुन सजन भी लपसी आसा लग पईया ने। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरिया माता और बहनों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई नया घर नहीं है, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी सियासत 1996-95 में यहीं से शुरू हुई और आज मुझे खुशी है कि रास्ते बड़े भटके लेकिन आखिर मुझे अपने वापस अपने घर में आना पड़ा और आज अपने घर में आया हूं। इसलिए मेरी कोई पार्टी में ये ज्वाइनिंग मत समझिए, मेरी आज ये घर वापसी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज 9/7/2014 के बाद आप ये यहां पे एक बड़ा तबसरा सुन रहे हैं। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ना साथ दिखा, ना विश्वास दिखा और ना विकास दिखा। विकास वो विकास है जो आज से पहले जो सरकारें यहां पे रही, जिन्होंने जो सरकारों ने यहां जम्मू कश्मीर में विकास किया वो विकास है। दूसरा, इनका विकास कौन सा है, ये कभी मंच पे आए, डिबेट करें फेस टू फेस, इनकी इनकी जो विकास की धजियां उड़ा के रख देंगे। आज जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई और पार्टी नहीं जो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। इसके लीडर शेरे कश्मीर शेख मसूदुल्लाह से लेकर आज उमर साहब तक, ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतिहास रचा। लेकिन आज हमारे सामने क्या है, आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर सामने बैठे हो, ये ध्यान से सुनो। आज हम जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, आपके सामने ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास सरकारी रकबे हैं या महाजरीन के खाते हैं या कस्टोडियल लैंड है, जो भी है, खाली करेंगे और बाहर के लोगों को यहां बसाएंगे और 5-5 मरले जगह देंगे बाहर के लोगों को। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वो थे जिन्होंने, जिन किसानों के पास जमीनें नहीं थी, जिन लोगों के पास जमीनें थी नहीं थी, लैंड टू टिलर, उस जमाने में उन्होंने लोगों को जमीनें दी। जो शेख साहब ने जमीनें दी, वो आज जमीनें ये लोगों से छीन रहे हैं। ये नाम छापी नहीं है। आज फारूक साहब के टाइम में जब 1996 में इलेक्शन लड़ा गया, आप जानते हैं मिलिटेंसी के बाद किसी भी पार्टी में दम नहीं था कि आप इलेक्शन लड़े। इस जम्मू कश्मीर रियासत को जो खून से लथ पड़ती, इसको दलदल से निकाला जाए। उस समय कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही वही आदमी थे, वो इंसान थे जो जिन्होंने आके यहां पे इलेक्शन लड़ा और दोबारा से डेमोक्रेसी प्रोसेस जो है वो बहाल किया। ये वही फारूक अब्दुल्ला जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आपने भेजे थे जम्मू कश्मीर का पक्ष रखने के लिए। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें, ये जो बातें करते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, मैं थोड़ा सा जो उमर साहब के जो टेन्योर में आ गए चीफ मिनिस्टर, जो काम हुए थोड़े से आपके नजरों में लाना चाहता हूं। मीडिया भैया, ये थोड़ा सा हम जाके उनको पूछ लेना कि जो हम बोल रहे हैं ये झूठ है या सच है। जब उमर साहब मुख्यमंत्री थे,
क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 750 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी या नहीं बनी, ये पूछो उनको। क्या उमर साहब के दौर में 46 सब डिविजन नहीं बनी या नहीं बनी, पूछो उनको। 135 तहसीलें नहीं बनी या नहीं बनी उमर साहब के दौर में, पूछो उनको। पूछो उनको कि वीडियो ब्लॉक 177 नए वीडियो ब्लॉक बने या नहीं बने, जो कहते हैं हमने बड़ा विकास किया है। उनको पूछो नई 301 नियाते बनी या नहीं बनी, ये सवाल उनसे पूछिए। आप क्यों, आपके लीडर ने वो करके दिखाया जो ये करके नहीं पाया आज तक 9 साल में। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के अपने बातों जाते हैं। आज शेर कश्मीर इंप्लॉयमेंट पॉलिसी किसने लाई, जहां हमारे 50,000 नौजवानों को फायदा हुआ, 1,00,000 गवर्नमेंट नौकरियां किसने दी, उमर साहब ने अपने टर्नओवर में दी, 50,000 प्राइवेट सेक्टर में दी। ये डाटा मैं कोई आपको ऐसे नहीं बता रहा, एक जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। ये झूठों की तरह जो नाटक करता कर मैं टाइगर बैग पता नहीं टाइगर है पता नहीं क्या है पता करो। आज ये चंद कुछ है, मैं अभी कहूंगा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो आज सैफरन मिशन और बासमती राइस मिशन किसने लाई, स्कीम है उमर साहब के दौर में आई। इन्होंने सैफरन की जमीनें आप बेच रहे हैं, ये बासमती की जमीनें इनके अपने लीडर जो है वोट प्राप्ति के लिए बने हुए जो बेच रहे हैं, आज पूरा पूरा ये उसका फील्ड खत्म कर रहे हैं। आज आपके सामने जो हालात है, अगर ये बात फ्लाईओवर जो है पुराने बने हुए, इन्होंने कौन सा एक जो आज बनाया, ये भी पुराना काम शुरू हुआ था उस समय, इन्होंने कौन सा नया बनाया, सड़कें कौन सी नई बनाई, मेडिकल कॉलेजेस कौन से नए बनाए, आए वक्त आएगा डिबेट करेंगे इनके साथ, बात करेंगे इनके साथ। और मैं इस मंच से भाजपा पार्टी के लीडरों को कहता हूं, आइए हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोटे से छोटे एक कार्यक्रम से भी आके बहस करिए, डिबेट करिए, आपको एक जवाब देगा हुआ। आपके जो ये विकास विश्वास और जो आप जो बात करते हैं कि सबको साथ लेने वाला, इस सारा का सारा एक्सपोज हो जाएगा। अगर आप कहते हैं हालात ठीक है, तो मैं भाजपा पार्टी के लोगों को कहता हूं, अपने पीएसओ छोड़ दो, जितने भी पीएसओ आपने सिक्योरिटी फोर्सेस लिए हुए हैं छोड़ दो सारे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उसके बाद 4 पीएसओ होते थे, आज एक बहुत बड़ा लंबा काफिला लेके चलता है। उसको पूछो हालात ठीक है, तो भाई तू इतना बड़ा लंबा काफिला क्यों लेके चल रहा है अगर हालात ठीक है जम्मू कश्मीर के। अगर हालात ठीक है तो आओ असेंबली इलेक्शन कराओ। आप कहते हो 50 बार, आप -50 जाओगे, 5 बार भी नहीं होने वाले आज जो हालात जम्मू कश्मीर के। इसलिए मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, आने वाला वक्त आएगा, ये बातें हम रखेंगे। मैं मीडिया के अपने भाइयों और बहनों से भी अपील करूंगा, वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी लेने नहीं आया, मैं इवन के आपको यहां मंच से कह रहा हूं कि मैंने उस उमर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे निशेरा का मैंडेट भी नहीं चाहिए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर को बचाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो आप भी जम्मू के हैं, ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बीच यहां बोल रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सब इनका फ्रॉड है। ये वो रियासत है, ये वो चीज जिसको इन्होंने यूटी बनाया, जहां शेर और बकरी ने कटा पानी पिया है। आओ मिलजुल के हमारे मीडिया के भाई और हम जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, आओ मिलजुल के उमर साहब के हाथ मजबूत करें, आओ फारूक साहब के हाथ मजबूत करें। जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कोई निकाल सकता है और सिर्फ उमर साहब निकाल सकते हैं या फारूक साहब निकाल सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत यहां नहीं निकाल सकती। इसलिए आज हमें उठना पड़ेगा, हम सब चुप होकर बैठेंगे, कहेंगे शहादत दो लेकिन पड़ोसी दे, भगत सिंह बने लेकिन गमांडी बने, सारे का अपना कोई बने, कोई कुछ नहीं करेगा। हमें जंग लड़नी होगी, सड़कों पर निकलना होगा, मैदान में लड़ना होगा, तभी जाके जम्मू कश्मीर की खिलाफी छोड़ेंगे, वरना ये छोड़ने वाले नहीं है। जो हालात ये जम्मू कश्मीर कहते थे 370-3500 हमारी जमीनें बच जाएंगी, हमारी नौकरियां, कौन सी नौकरियां कौन सी जमीनें बच रही हैं। मैं पीछे माता वैष्णो देवी गया, हमारे पंडितों को बाहर निकाल दिया, आज वहां अपने बाहर के पंडित वहां बिठा दिए, क्या यही है कि हमारे पंडित नकाम है नलायक है। आपके IAS IPS ऑफिसर जो काबल ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के KS ऑफिसर है, उनको DC नहीं लगा रहे, SSP नहीं लगा रहे, बाहर के लोगों को लगा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा आपको, हमारे ऑफिसर भी नलायक
हमारे लोग भी नालायक, हमारे पुजारी भी नालायक, सब नालायक। सिर्फ ये लोग लायक हैं बीजेपी वाले, बाकी कोई लायक नहीं। ये फैसला करना पड़ेगा कि लायक और नालायक कौन है। ये नालायक लोगों की हुकूमत यहां ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। तो लिहाजा मैं उमर साहब आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना मेरे से हो सकेगा हमेशा आपके साथ चलेंगे, और जिंदगी के आखिरी ये लम्हे हैं, और मैं आपसे वादा रहा सर, ये घर वापसी है, अब जब तक जिंदे हैं आपके साथ हैं। और सर ये मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं जाट हूं सर, जाट मर जाएगा कट जाएगा लेकिन वचन से पीछे नहीं होगा। इसलिए आपसे वादा रहा सर, जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही कुर्बानी है, हमारा झंडा ही लाल है, ये कुर्बानियों का झंडा है। इसलिए झंडे के नीचे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी हम देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर इस रियासत द्वारा इसको रियासत बनवाएंगे, और जहां के जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वही जो माहौल था, जो प्यार और भाईचारा हमारा था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, उसको दोबारा बहाल कराएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये जो हमारे साथी यहाँ